नमस्ते शाक्स, मैं हूँ 20 साल की दुहूर वर्षिता। नमस्ते, मेरा नाम विमल कुमार, मैं 25 साल के हूँ। हम हैदराबाद से हैं। वी आर द फाउंडर्स ऑफ विवा लाइफ इनोवेशंस। ये कून, ये दर्द, यही था मेरे पूरा 20 साल एंड स्टिल इट इज। आई डू दिस 4 to 5 टाइम्स ए डे। मैं टाइप 1 डायबिटिक हूँ, यानी मैं डायबिटीज के साथ ही जन्मी हूँ। मैं जन्म से अगले दिन मैं कोमा में गई थी। डॉक्टर ने कहा मैं बच नहीं पाऊंगी। कोई पेशेंट डॉक्टर के पास खुशी से नहीं आता है, तकलीफ में ही आता है। इसको तो रोज इंजेक्शन लेना पड़ता था और रोज उसको टेस्ट करना पड़ता था, तो ये काफी डिप्रेस हो जाती थी क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ नहीं है जैसे कि आम खास जैसे लोगों की होती है जो विदाउट इंसुलिन रहते हैं। जब मैंने खुद से इंसुलिन लेना शुरू किया तो मेरे माता पिता से देखा नहीं गया। वो कमरे से बाहर जाके रोने लगते। एक दिन मैं अपने माता पिता के पास गई और उनसे कहा कि मैं इस समस्या का समाधान जरूर निकालूंगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है। मुझे पता था कि सिर्फ रिसर्च से प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसलिए मैंने एक ऐसे इंजीनियर को ढूंढना शुरू किया जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मुझे भी वो आइडिया बहुत इनोवेटिव और नॉवल लगा और मुझे भी एक सपना था कि लोगों के लिए कुछ मदद करने वाले डिवाइस बनाऊं। अभी हमारा प्रोडक्ट प्री क्लिनिकल एवेल्युएशन स्टेज में है। इसको मार्केट में उपलब्ध करने के लिए हमें भी मेंटर कनेक्ट, एक्सटर्नल कनेक्ट, मार्केट एक्सेस और फंडिंग की जरूरत चाहिए। इसलिए हम शार्क टैंक इंडिया मंच पर आए हैं और शार्क को इम्प्रेस करें और हमें फंडिंग मिले। हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इजी लाइफ। इजी लाइफ एक नो प्रिक, नो ब्लड और नो पेन और एक बार इन्वेस्टमेंट डिवाइस है। आपका ग्लूकोज लेवल्स को चेक करते हैं। शार्क्स, हमारा मांग है 56 लाख 7.5% इक्विटी के लिए। तो शार्क्स, कौन हमारे साथ मिलकर मुझे जैसे 7 करोड़ इंडियन डायबिटिक इंडिविजुअल्स का लाइफ पेन फ्री बनना चाहेगा विद इजी लाइफ। वंडरफुल, थैंक यू। आपने बहुत ही इमोशनल तरीके से आपका पॉइंट प्रेजेंट किया और जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये आपने बहुत ही अच्छा कॉज अडॉप्ट किया है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपकी क्या उम्र थी जब आपने ये प्रॉमिस किया अपने फादर को? I'm just 10. आप सिर्फ 10 साल की थी। Yes. Wow. No father can see their child pricking their fingers 4 to 5 times day and they pricking it, testing it, everything. From my 4th standard, I started pricking myself. One day, I placed it in a wrong way and it went so bad. I have gone into coma one more time. Like, I have gone 6 times into coma till now. 6 times? 6 times. God. 56 days is the longest period and 2 days is the very shortest period, which has been in 2020. Most of the doctors told that I may die. ये आपके साथ फिर हो सकता है? Yes, sir. It can happen. आप बड़ी बहादुर हैं, I have to say. I literally promised my dad that I'll get passed in all things, AIEEE, IIT, JEE, NEET. Wow. And I did passed in everything. You but cleared I AIT, promised him. JEE, मैं सही सुन yes. रहा हूँ. Wow. पर आप IIT नहीं गए? I went and came back. I wow. came back in 11 ये, days. ये तो पहला है जो मैंने आज तक सुना है. I'm speechless. आपको डर नहीं लगता है? No, sir. आपने कमजोरी को एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है, yes, तो वही दिख रहा है आज। Because it's not only my future, it's gonna be billions of population's future. That's the reason I'm trying and pushing it as hard as I can do. आपसे मिलके मैं बड़ा छोटा महसूस कर रहा हूँ। विमल, ये जो कैटेगरी है इसमें काफी डिवाइसेस ऑलरेडी हैं, पर पहले प्रोडक्ट आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप। तो हमारा टेक्नोलॉजी स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड है। तो आपका नॉन प्रिक टेक्नोलॉजी है? या आप डेमो करवा करके दिखा सकते हैं? श्योर सर। हम वहां आ जाएं? श्योर सर, श्योर सर, डेफिनेटली। हमारे शार्क्स हर चीज को परखने के लिए हमेशा रहते हैं तैयार।
और इस बार ग्लूकोमीटर डिवाइस की एक्यूरेसी पर की हमारे टेक गुरु शार्क पीयूष बंसल ने। मेरा जो शुगर आया वो 363 आया है सर। तो ये मेरा शुगर 363 तो डाउटफुल होगा मैं होगा। Currently we are only at 90% accuracy because we started testing on ourselves and we just took 250 samples because it's just been a 1 month since we started testing on it. Accuracy इसमें बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी के लिए ये रिस्क हो सकता है लाइफ का। वो रिसर्च स्टेज पे है। 90 से 99 जाना है, वो 9% का गेम बहुत तगड़ा है, मतलब बहुत तगड़ा है वो 9% में गेम चेंज हो सकता है। Yes. So 97% is acceptable according to golden standards. It will, sir. The more number of samples we compare, yes, sir. अगर ये हो गया, तो आप 100 हो, zero. नहीं हुआ तो आप zero. आपने कंपनी बना ली? Yes, sir. We got कितना percentage है आप तो? 50-50. और कोई funding नहीं है? We have 7.5 lakhs of funding, but it's non-equity. It was given by Government of India, Nidhi Prayas Grant. Got it. मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी, basically from now till date of launch, best case scenario क्या है? After the preclinical evaluation, when we move to the clinical evaluation, we'll be definitely doing more than 5,000 or 6,000 sample set. So that we can improvise our accuracy and present it in front of CDSCO. इसमें बहुत ही लंबा और expensive process है और इसका probability of success भी उतना high नहीं होता है usually in the device industry. तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आपको ज़रूर मदद करूँगी in terms of grants, in helping you get expertise, tie up with more hospitals for trials. बट मैं इन्वेस्ट इस टाइम पे नहीं करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। अगर फार्मा होती तो हम आ जाते, लेकिन थोड़ा रिस्क है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो दैट्स व्हाई आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रीब्यूट, नहीं कर पाऊंगा कुछ, तो आई एम आल्सो सॉरी, आई विल बी आउट। इन चीजों में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो एक्यूरेसी टफ है, मतलब दिस इज अ बिग गेम। और जो 90% आप कह रहे हैं, देखिए मैंने भी बहुत 90% कहा है, ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लग रहा है कि अभी ये कितना 90% है। मैं फ्लाई ले सकता हूँ, मतलब कि ये, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए कुछ रिस्क लेना पड़ता है, 1/3 इक्विटी लेके मैं रिस्क ले सकता हूँ। मैं भी इनके साथ जुड़ सकता हूँ। अश्नीर का क्या व्यू है सर? दुनिया का दस्तूर यही है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आप मेरे को बोलते ही नहीं कि मेरी इतनी % एक्यूरेसी है, अगर आप बोलते मैं तो ये सिर्फ बना रहा हूँ और देखेंगे क्या होगा, शायद मैं इन्वेस्ट कर देता, बट जो देखा और उसमें इनएक्यूरेसी आई, उससे मैं थोड़ा पुट ऑफ हो गया, तो मैं इससे आउट हूँ। आपका पर्पस बहुत सही है, इनका ऑफर काफ़ी अच्छा है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इस पे पैसा लगा रहे हैं, तो आपके ऊपर डिसीजन है और उनकी और आपके बीच की बात है। और मैं ये भी बता दूँ, अगर आपकी एक्यूरेसी बाहर जाके 50% भी होगी ना, मैं इन हूँ, क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, क्योंकि मेरे को पता है कि ये प्रॉब्लम में टाइम लगेगा। मेरी मॉम जो है प्री डायबिटिक है, मैं हर मॉर्निंग कोशिश करता हूँ कि वो अपनी, यू कैन रिलेट टू द प्रॉब्लम, हाँ हाँ, पर वो करती नहीं यार, उनको सुई नहीं चुबानी। हेलो संतोष, वर्षिता हियर, कैन यू हियर मी? Okay, listen, we are having two sharks on board. मैं थोड़ा excited था इसको लेके, मैं थोड़ा put off हो गया accuracy से। हाँ, वो मेरे को भी वही झटका लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा यार अभी कहीं तो तुक्का लगाना पड़ेगा। लगा लो, सही बात है। So we would like to have a counter offer. We would like to have a 36 lakhs at 15% equity and remaining as debt, and we will repay back in 3 years as a bullet payment. Isme debt ka repayment thoda sa tricky hai. Abhi mera ye advice rahega, deal complicate ho jayega because abhi aap non revenue generating hai. Debt repay kar nahi payenge. Hum sharks hain, agar hamara bhi 33% hai, हम मेहनत करेंगे आपके साथ, और कल को कोई कंपनी आएगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे ना, उस टाइम हमको अकोमोडेट करना होगा, तो हम इक्विटी कम करेंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, अभी के लिए हमारा यही ऑफर है।
साथ डील पक्की। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। We will all work together. We will definitely take. Thank you so much. Congratulations, guys. Amazing team. Thank you so much. मेरे को लगता है मैं ही अपने पैसे को लेके थोड़ा thoughtful हो रहा हूँ, बाकी सब तो भाई अलग ही गेम चल रही है कुछ यहाँ पे। दिल से भी decisions ले रहे हैं लोग। मेरा जो philosophy है ना, every dollar I invest, I think I can make more money in Lenskart so far. But if I'm investing outside, it should solve a bigger problem. Otherwise, मेरे को 10-20% return से कुछ करना नहीं है।